हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज़ स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी, जो भी मेरे पास है। मेरे पास बहुत सारी तो अभी नहीं है, पर जितनी भी है मैं वो शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आगे और ज्वेलरी कलेक्शन लाऊँगी जैसे जैसे आपको पसंद आता है, और मैं परचेज़ करती रहूँगी, आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको ये लग रहा होगा ना कि मैंने ये कैसा लुक लिया है, और कुछ आइडिया भी हो गया होगा, तो इसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून। स्टार्ट। तो जो सबसे पहली मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में से शेयर करूँगी वो ये वोला का है ईयरिंग्स, जो मैंने मंगाई थी अभी हाल ही में ही। इस पर जो मेंशन किया हुआ है वो है सिल्वर प्लेटेड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं। मैं यहाँ पे कहीं आज इधर उधर इंसर्ट कर दूँगी इमेज, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ पे दिख ना रहा हो उतना क्लियर। ठीक है, ये बहुत प्यारी हैं, और सबसे अच्छी बात है ना, बहुत लाइट वेटेड हैं। बहुत प्यारी हैं, इसमें पिंक और टील ग्रीन ही कहते हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो, वो कलर है, और बीच में येलो कलर है। ठीक है, और बहुत लाइट है और बहुत प्यारी है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। कुछ मेरी ज्वेलरी होंगी जो एक दो वो शायद अब नहीं मिलेंगी बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, और कुछ तो है ही नहीं। ठीक है, वेबसाइट पे ही नहीं है अब तो। मैं लिंक पर सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिस चीज़ के भी अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी की ओर। नेक्स्ट मेरे पास ये रिंग है जावेरी पर्ल्स से, जावेरी पर्ल्स। ये मिंत्रा पे मिल जाएगा आपको, मिंत्रा क्या साप पे ही है, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, और क्या कहते हैं मिंत्रा पे तो मिलेगा ही, क्योंकि मैंने ये मिंत्रा से परचेज़ किया है। ठीक है, कुछ इस तरह की रिंग है, पर्ल्स हैं और हाँ गोल्डन और वाइट कलर की, जैसे सामने मिरर का वर्क हो रखा है, आपको दिख रहा होगा, पहन के दिखा देती हूँ आपको। बहुत प्यारी है, मुझे प्राइस अभी किसी का भी याद नहीं है मैंने कितने पे लिया था, मैं सब यहीं पे कहीं पे आपको इधर दाएं बाएं दिख ही जाएगा, प्राइस में मेंशन कर दूंगी कि मुझे कितने का पड़ा था। ठीक है, जावेरी पर्ल्स से ही मैंने, क्योंकि ये दोनों मंगाया था, आप इससे पूरा एक सेट बना सकते हो, सेम ऐसी बिल्कुल सेम है। बहुत प्यारी लगती हैं कानों में ऐसे, सेम वैसी है, और बहुत प्यारी क्वालिटी है, बहुत अच्छी, और इसका भी मुझे प्राइस याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अगर लेते हो तो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी है स्टाइल बाय भूमिका के नाम से, जाके मुझे वहाँ फॉलो भी कर लो, और वहाँ पे मुझे अगर लेते हो तो ज़रूर DM करना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। वोला की मैंने ये सिल्वर नेकलेस सेट पूरा लिया था, ज्वेलरी सेट, मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई भी वीडियो मिस मत करो, जाके सारी वीडियोस देख लो, उसमें मैंने पहना हुआ है, ये ऐसा है। बहुत प्यारी है, सिल्वर है और बीच में येलो कलर है। ठीक है, मैं इमेज दे दूंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ये नेकलेस है,
सबसे अच्छी बात इस ब्रांड की क्या लगती है पता, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, आप आराम से पहन सकते हो। जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत हैवी ईयरिंग्स वगैरह पहनना पसंद नहीं है, नेक सेट पहनना भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट अब तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, पहले तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो उनके लिए ना बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगता है, देखिए ऐसे चोकर। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था आरजी कलेक्शन करके। अभी इसको तो मैंने बहुत ढूंढा है पर इसका लिंक मुझे मिल नहीं पाया, सॉरी। पर मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे पास है तो मैं दिखा देती हूँ। ये इयरिंग्स और मांग टीका का सेट था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, बहुत प्रिटी है। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने लहंगा कुर्ता और दुपट्टे को कैसे रीयूज़ करना है, उस वीडियो में मैंने यही रिंग्स वेयर की हुई हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, जाके प्लीज़ देखो। पहन के भी दिखा देती हूँ आपको, बहुत प्यारी क्वालिटी और बहुत अच्छा लगता है। देखिए रेड कलर से है, रेड और गोल्डन में, और ये पर्ल्स हैं, मोती लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अगर इसका लिंक मुझे मिल जाता है बाय चांस तो मैं पक्का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। फिर मैंने अमेज़ोन से लिया था ये आराध्या ज्वेलर्स करके है, आराध्या ज्वेलरी करके, वहाँ से ये चोकर, बहुत प्यारा चोकर है ये। मैंने इसको देखे ऐसा हुआ यार, वो होता नहीं कभी कभी सही चीज़ आप परचेज कर लेते हो, वैसी वाली फीलिंग, ये वही फीलिंग थी। का मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये है, पहले तो दिखा दूँ, बहुत प्यारा है, बहुत फाइन क्वालिटी है और बहुत अच्छा है ये, और जिस रेट में मिला उस रेट में तो वाकई में बहुत प्यारा है। आई थिंक इसका मुझे रेट याद आ रहा है, मेरे को ये 353 रुपीज़ का पड़ा था, ठीक है। ये इसका इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये लिखा है अफगानी डिज़ाइनर घुंघरू तुर्किश स्टाइल विंटेज सिल्वर ऑक्सीडाइज नेकलेस, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ये कुछ ऐसे करके आप फिर पीछे से बंद कर लो, बहुत प्यारा लगता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये घुंघरू लगे हुए हैं ऐसे, सी बहुत प्यारा है ये सेट। जल्दी मैं आपको इन सबको स्टाइल करना बताऊंगी, किसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए और किस एथनिक के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी। अगर आप वेस्टर्न भी पहनते हो तो आप कौन सी ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगा, ठीक है। दिखाया आराध्या वाली, वो भी अमेज़ोन से ही थी, और ये भी अमेज़ोन से है, ये भी आराध्या ज्वेलरी का है। आराध्या ज्वेलरी के मुझे, मैंने पहली बार लिया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, काफ़ी रीजनेबल रेट पे। आपको सिल्वर ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दे रहे हैं जो कि और वेबसाइट पर काफ़ी महंगा मिलता है। ये है, ये आपने मुझे इस ये पहने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, मतलब दो तीन वीडियो में तो देख ही लिया होगा। ये घुंघरू लगे हुए हैं और यहाँ पे कलर है पूरा, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा है, इसका मुझे रेट तो याद नहीं आ रहा है बट मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं इस ज्वेलरी सेट के साथ। ये भी मैंने अमेज़ोन से ली थी, ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है मिनाज गोल्ड प्लेटेड ट्रेडिशनल टेंपल ज्वेलरी सेट, ठीक है, और लक्ष्मी टेंपल कॉइन। इसमें ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, कॉइन सा है,
और इस पर लक्ष्मी जी बनी हुई है। देखिए बहुत प्रिटी लगता है, ये है छोटा सा, जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे लगा था थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा, बट छोटा है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इसकी इयररिंग्स तो ये अभी मैंने पहनी हुई है, बहुत प्यारे। नेक्स्ट और जो लास्ट है मेरे पास वो है ये, इसे भी आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये बहुत पसंद है। ये थोड़ा हैवी है और सॉरी मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज ये मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया था, उसे भी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए, कि उसे इसने कहाँ से, मतलब मिंत्रा से तो लिया था पर कौन सा ब्रांड था वो इसे याद नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे है, पल्स हैं और बीच में मिरर वर्क है और बैक साइड में भी है, पर यहाँ पे कलरफुल है ये, इसके साथ इसकी इयररिंग्स हैं। बस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, इन्होंने ना ये बैक में दे दिया, यहाँ इसको तो पहन सकते हो पर इसे तो हम बैक में पहन ही नहीं सकते ना, फिर इसे ऐसे करके तो पहनेंगे नहीं, पर जो भी है बहुत प्यारा पीस है ये भी। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करो, खूब सारा शेयर करो, ताकि आपके सपोर्ट से मैं जल्दी आगे बढ़ूं, ठीक है। अभी मेरी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हुए हैं आज, और उन सारे 100 सब्सक्राइबर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और आप बस और शेयर करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा वीडियो और जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए और खूब सारे मुझे सब्सक्राइबर मिलें, जिससे मतलब मेरी बड़ी फैमिली बन जाए यूट्यूब की। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।